भागो रे भागो, जान बचा के भागो, डोबरमैन आ रहा है, कहाँ छुपो कहाँ छुपो, इस बेंच के नीचे, नहीं बढ़िया दिख जाऊंगा, कहीं और दिखता हूँ, कहाँ जाओ, हाँ वो पेड़ सही है, उसी के पीछे जा रहा हूँ। तो गाइज मजाक कर रहा था, ये रिएक्शन नहीं था पैंथू का लियो को देख के। अब लियो, अब बोल रहे हो कि भाई लियो आ कहाँ से गया और लियो है कौन? तो गाइज लियो जो है वो वही डोबरमैन है जिसको आपने भी देखा था। उसको मैं लगभग 4 साल से जानता हूँ, बहुत ही प्यारा डोबरमैन है, मतलब बाहर वालों के लिए तो बहुत डेंजरस है भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं उनके लिए बहुत प्यारा है, मेरे लिए तो बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है। एंड उसके जो ओनर हैं बलराम भाई, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो आज मैं उन्हीं से मिलने गया था, तो अभी मैं और पैंथू देखो मिलने जा रहे हैं। तो अब देखो पैंथू की एक्टिविटी, पैंथू हर 4-5 कदम आगे बढ़ के मेरी तरफ देख रहा है, क्योंकि आज का जो ट्रैक है गाइस, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, बिल्कुल अलग है। देखो पैंथू को कोई आइडिया नहीं है मैं कैसे जाना है, वो यहाँ पे टर्न लेने वाला था, वो पूरा कन्विंस था कि हमें टर्न लेना है, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं नहीं मैं नहीं मुड़ रहा हूँ, तो वो वापस फिर से ट्रैक पे आ गया, ठीक है। तो गाइज अब आप बोलोगे, आप में से कई लोग शायद ये पूछें कि भाई आप तो बोलते हैं कि ऑफ लीश में नए इलाके में जल्दी नहीं ले जाना चाहिए अगर डॉग को आदत नहीं है उस एरिया की। तो बात यार यहाँ पे ये है कि वैसे तो नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि आप देखो ये एरिया ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल्स आने का और कुछ बाकी कोई डिस्टर्बेंस होने का कोई चांस ही नहीं है कि डॉग डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। एंड जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं सुबह के ऐसे टाइम पे हूँ कि जल्दी कोई दिखेगा नहीं, है ना। तो हम और पैंथू यहाँ से जा रहे हैं, ये देखो यार इसका सही तो बल्लियों के नीचे से निकल आता है, मेरे को बीच से निकलना पड़ता है ना। तो हम लोग जा रहे थे आज लियो से मिलने, एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसा रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि पैंथू भी वैसे तो नहीं है, लेकिन दूसरे डॉग्स अगर उस पर भोंके तो फिर वो बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। तो लियो तो बहुत एग्रेसिव है भाई, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। लियो के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी तो बहुत टाइम हो गया मतलब लियो के मैं जाने हुए, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं लियो से मिला था ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने तक मैं उससे इतना डरता था कि जब भी मैं लियो के घर जाता था ना लियो से मिलने, एक तो साला ये दिल डॉग लवर, तो बिना डॉग को देखे मन ना माने, है ना, उससे दोस्ती करने का अंदर से एकदम वो रहे कि बस दोस्ती करनी है यार कैसे भी, चाहे काट ले चाहे कुछ करे, और ऊपर से इंसान तो डर तो जाहिर सी बात है। तो वहाँ जब मैं जाता था ना, तो यार इतना ज़्यादा डर लगता था मेरे को लियो से कि मैं अपने दोनों जो हाथ है ना इनको अपने दोनों आर्मपिट्स में एकदम दबा लेता था कि कहीं मेरा हाथ ना भर ले नीचे से, और बस ऊपर से लियो लियो करता रहता था, देखता था कि इसका रिएक्शन क्या है ना। एंड 3-4 महीने तक मैं बहुत डरता था गाइस। फिर जो ओनर थे बलराम भाई ने काफ़ी ज़्यादा बोला कि नहीं भैया कुछ नहीं होगा, छुओ कोई टेंशन नहीं है, अब तो वो फ्रेंडली हो गया आपसे। तो 3-4 महीने बाद जाके मेरी और लियो की दोस्ती हो गई, एंड अब तो बाय गॉड्स ग्रेस वो बिल्कुल बच्चे जैसा है मेरे लिए, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही लियो भी है। तो कल मुझे बलराम भाई मिले, एंड उन्होंने मुझे एक चीज़ सजेस्ट की कि क्यों ना हम लोग अपने डॉग्स की दोस्ती कराते हैं जिससे हम लोग उन्हें साथ में वॉक पे ले जा सकें। तो मैंने वही बोला कि बलराम भाई बाकी तो फीमेल्स तो मान जाएंगी, लेकिन पैंथू का मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो आज फ्रेंडशिप कराने का जो हमारा जो मिशन था उसमें डे वन था, तो अभी मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, आप लोग पहले ना रिएक्शन देखो कि रिएक्शन हुआ क्या। यह है बलराम भाई का घर, एंड यहाँ से बाप देखो क्या क्या हुआ। तो भैया यही था लियो और पैंथू का फर्स्ट रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, लेकिन थैंक गॉड कि किसी को कोई चोट नहीं आई। एंड फिर हमने सोचा कि बलराम भाई को पैंथर के पास रहने देते हैं, एंड मैं जाता हूँ लियो के पास, जिससे लियो को पता चले कि अच्छा ओके ये संचित का डॉग है और शायद वो थोड़ा सा काम हो जाए। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं लियो के पास जाने लगा ना, पैंथू को इतनी जेलसी हुई, आप खुद ही देखो कैसे भोंकेगा। लियो आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ। यहीं पे हूँ यहीं। तो ये प्लान भी हमारा एकदम फेल हो गया। तो अब हमने ये सोचा कि क्योंकि लियो जो है वो पैंथू से एज में थोड़ा बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा समझदार है पैंथू से, तो हमको लगा कि चलो मैं पैंथू को लेकर थोड़ा दूर खड़ा होता हूँ, बलराम भाई उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, वो थोड़ा सा टहलेगा, एंड उसके बाद वी लेट देम मीट, एंड उसके बाद देखते हैं कि शायद हो सकता है थोड़ा सा काम रिएक्शन हो।
तो अब आप देखिए सेकेंड रिएक्शन कैसा हुआ। ठीक है लियो, लियो बस मैं तो अच्छा शांत तो गाइज आपने देखा हमारा एक एक करके हर एक प्लान फेल हो रहा था। वी लॉस्ट ऑल द होप, हमको पूरा यकीन हो गया था कि भैया हमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर पता नहीं कैसे कुछ मैजिकल हुआ। मुझे लगा लियो तो अंदर है, चलो अब घर तो जाना ही है तो पैंथू को खोल देते हैं। एंड पैंथू को जैसे ही खोला, पैंथू ने अपना वही जो घर से पत्थर लेके आया था, वो स्टार्टिंग में जो वीडियो में था, वही पत्थर ढूंढा, उसको उठाया और अपना फेवरेट काम करने लगे, इधर उधर घूम के सुसु करना, जो हर एक मेल डॉग का फेवरेट काम होता है ना। एंड उतने में ही पता नहीं कैसे क्या हुआ, गेट खुला हुआ था लियो का, हम सबका कॉन्सेंट्रेशन तो पैंथू पे था है ना। एंड लियो अपना बाहर आके मजे से अपने एरिया में वो भी घूमने लगे, वो भी भाई साहब सुसु करने लगे। तो बलराम भाई ने कहा कि यार कहीं लड़ ना जाएं, दोनों लोग खुले हुए हैं। तो मुझे भी यही लगा कि हाँ यार कहीं लड़ ना जाएं। तो बलराम भाई तुरंत गए लियो को बुलाने। बलराम भाई ने कहा लियो को अंदर कर देता हूँ है ना, लड़ाई हो गई तो इतने बड़े दो डॉग्स हैं है ना, हम लोग कैसे संभालेंगे क्या करेंगे। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या सीन हुआ, पैंथू अपना पत्थर में मस्त और अपना मजे से इधर उधर सुसु करे पड़ा, और लियो वहाँ पे अपना अलग सुसु करे पड़ा इधर उधर इधर उधर। हम और बलराम भाई हंस रहे कि भाई ये क्या हो गया, इतनी देर से कोशिश कर रहे थे तब कुछ नहीं हो रहा था, एंड अब देखो अब दोनों दोस्त हो गए। फिर भी हमने कहा कि चलो रिस्क नहीं लेते हैं, एंड लियो को अंदर करने के हमने बोल दिया कि लियो बेटा अंदर चले जाओ। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि जो लियो है ना अपना, वो बहुत समझदार डॉग है। तो उसने जब पैंथू को देखा, उसने नोटिस किया कि कर क्या रहा है, उसने कहा ये पता नहीं जोकर क्या कर रहा है, पत्थर उठा के इधर उधर डांस कर रहा है झुक झुका के। तो उसने कहा यार अब क्या टेंशन, जब इसको पत्थर की पड़ी है तो मेरे को क्या करना। तो लियो अपना मस्त निकला अपनी कॉलोनी में, और जहाँ जहाँ अपनी टेरिटरी में मस्ती करना उसने स्टार्ट कर दिया अपना टहलना वहलना। एंड जो पैंथू था वो तो आप जानते ही हो, पत्थर मिलने के बाद उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना, हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ बस पत्थर मेरा है ना, ये पैंथू की पंच लाइन है है ना। तो पैंथू अपना मस्त पत्थर में ही लगा हुआ था, जो पत्थर वो घर से लाया था उसका अमूल्य पत्थर, इन्फिनिटी स्टोन उसका। एंड हम और बलराम भाई काफ़ी शॉक्ड के यार बताओ इतना सिंपल था ये, बस इतना ही करना था और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो हम लोगों को वही लगा कि यार चलो ठीक है, आज के लिए इतनी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड थे। गाइस फिर थोड़ी देर तक मैंने पैंथू को ना बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया, एंड मेरे को ये पूरा यकीन हो गया कि यार अब तो पक्की बात है कि पैंथू अटैक नहीं करने वाला, अब इसका वो मूड नहीं है, अब ये खेलने के मूड में आ चुका है एंड अब ये थोड़ा काम है। तो मैंने बलराम भाई से बोला कि बलराम भाई एक लास्ट ट्राई करते हैं, आप एक काम कीजिए, पैंथू को खुला रहने देते हैं एंड आप, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, आप लियो को चेन में लेके आइए। एंड क्योंकि पैंथू जब खुला होता है तो मोस्टली मेरी बात मानता है, किसी पे अटैक नहीं करता। तो हम मैंने कहा एक बार ये ट्राई करके देखते हैं, फिर आप देखिए काम किया कि नहीं। पैंथू आजा, कम गुड बॉय, पैंथू आजा गुड बॉय। तो गाइस बाय गॉड्स ग्रेस ये तरीका बहुत ही अच्छा काम किया, एंड बलराम भाई ने तो मौका देख के चौका मारा, एंड पैंथू का जो पत्थर था ना वो भी पैंथू की तरफ दे दिया पैंथू को। बस पैंथू को क्या, इससे बड़ी तो पैंथू के लिए कोई ट्रीट ही नहीं है। एंड उसके बाद इन दोनों में इतना समझौता हो गया था कि हाँ भाई लियो मेरे पास भी आ रहा है, लियो मेरे पास भी टहल ले रहा है, एंड पैंथू भी खुला हुआ है, लियो भी अपना मतलब फ्री ही है एज सच, ऐसा नहीं है कि एकदम टाइट है या कुछ भी है, एंड पैंथू और लियो दोनों एकदम मस्त है। ठीक है आप देखो लियो शायद थोड़ा सा उसके पास आने से झेप रहा था कि हट मेरे को नहीं आना तेरे पास, पता नहीं कैसा है जोकर कहीं का पत्थर लेके घूमता है। एंड पैंथू एकदम मस्त था, कोई टेंशन नहीं, अरे अरे खेल के देखो मज़ा आती है मज़ा आती है, अरे सुनो तो मेरा पत्थर तो लो, बहुत मज़ा आता है इससे है ना। बस यही थी गाइस आज की जो वीडियो थी है ना, हम लोग काफ़ी खुश हो गए इतनी प्रोग्रेस से। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ बस कुछ सेकंड्स और, बलराम भाई से ना बीच में एक क्लिप थी जिसमें मैंने बलराम भाई को इंट्रोड्यूस किया था और उनसे आप सबको हाय करने के लिए भेजा था, तो वो ज़रूर देख लीजिए। गाइज ये हैं बलराम भाई, ओनर लियो के। बलराम भाई सबको हाय बोल दीजिए।
गाइस उसके बाद मैंने और पैंथू ने बलराम भाई और लियो दोनों को ही बाय बाय बोला और सी ऑफ कर दिया एंड वहां से हम लोग घर की तरफ चल दिए। एंड अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने पूरी वीडियो देखी। लव यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय, लव यू।